आज दिनांक 7/4/2024 को रात्रि में जब थाना उन्नी बॉर्डर में लालबाग मंडी के पास पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी तो एक पल्सर बाइक पर सवार दो संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए, जिनको पुलिस द्वारा जब रोकने का प्रयास किया गया तो उन्होंने वापस भागते हुए पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई, जिसमें पीछे बैठे व्यक्ति के दाहिने पैर में गोली लगी तथा ड्राइवर वहां से मौके से भाग गया। पुलिस द्वारा पीछे बैठे व्यक्ति को तत्काल मेडिकल सहायता उपलब्ध कराते हुए अस्पताल भेजा दिया गया। पूछताछ में उक्त व्यक्ति द्वारा बताया गया कि उसका नाम विकास तोमर उर्फ विक्की है, जो कि बागपत का रहने वाला है। उसके विरुद्ध विभिन्न जिलों में कई मुकदमे पंजीकृत हैं। मौके पर पुलिस द्वारा एक पल्सर बाइक, अभियुक्त पास से एक 315 बोर का तमंचा, एक मृत कारतूस, दो जिंदा कारतूस तथा उसकी जेब से 9700 रुपये बरामद किए गए। उसके द्वारा पूछताछ में बताया गया कि हाल ही में हुई लूट, जो कि रोमांस पिज्जा पर हुई थी 100 फुटा रोड पर, उसमें भी उसका हाथ था तथा दिनांक 6/4/2024 को मेडिकल स्टोर पर, जिसमें 10,000 रुपये लूटे गए थे, जिसमें अभियोग पंजीकृत है, भी लूट उसके द्वारा कार्य की गई थी। पुलिस द्वारा उसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था तथा अन्य वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है।